और भाई कैसे दिमाग के झंडे करके बैठा है? कुछ नहीं यार, वही पुराना लफड़ा तानिया। अब क्या किया उसने? क्या नहीं किया यार उसने, देख मेरी हालत। जब से तानिया मेरी ज़िंदगी में आई है ना, उसकी फरमाइश से पूरी करते करते मैं ये तक भूल गया कि मैंने अपने ऊपर 2 रुपये कब खर्च किए थे। सी लिखा है क्या यहाँ पर? कूल भाई, तेरे पास गर्लफ्रेंड भी है, तू लकी है। देख मेरी हालत, साला इतना अच्छा फैसला कर घूम रहा हूँ, फिर भी आज तक कोई भी लड़की नहीं पटी। अबे क्यों झूठ बोल रहा है यार, कल ही तो तूने किसी लड़की के बारे में बताया था मुझे। हाँ यार, बात तो चल रही है, शायद कुछ काम बन जाए। चल ठीक है, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ। ओके बॉस। उसे कुछ काम था, वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट पहुंच जाएगी। चलो तो फिर हम चलते हैं। हेलो इशिका। यार एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? यार पापा का अचानक नानी के घर जाने का प्लान बन गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यार इस बार का टूर थोड़ा लंबा है, तो तुम गौरव से बोल देना कि मैं उसे 1 महीने तक नहीं मिल पाऊंगी। हाँ तो गौरव से इस बारे में बोल दूंगी। थैंक यू यार, गुड नाइट। ओके बाय। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं उसके दोस्तों से मिला तो कुछ ज़्यादा खास तो पता नहीं चला, लेकिन उसके दोस्तों ने बताया गौरव के साथ कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी। इसे पूछने के लिए उसे घर गया। उसकी बहन ने बताया कि मर्डर वाली रात को उसका भाई घर से बाहर था सर। उस कॉल का क्या हुआ? वो कॉल किसी अननोन नंबर से आया था। उस शॉपकीपर का पता नहीं चला? सर उस शॉपकीपर का भी अभी तक कोई पता नहीं चला है। जाओ शॉपकीपर का पता लगा। ओके सर। चलो सर शॉपकीपर को ले आए। बैठाओ इसे।
स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। ओके सर। स्केच कंप्लीट हो गया है सर। सर स्केच रेडी है। गौरव इज डैड। व्हाट? ही इज डैड। सर क्या बताऊं आपको, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। सर भाई की तरह मानता था मैं उसे, लेकिन जो उसने मेरी पीठ पीछे किया वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी पीठ पीछे मेरी बहन के साथ। बहन को बाइक पर घुमाता था वो, तो मुझे शक हुआ। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने भी मुझसे कहा कि मेरी बहन उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। सब गुस्सा इतना आया मुझे, इतना गुस्सा आया कि मैं उसकी जान ले लूं। इसलिए मैंने उसे एक दिन सुनसान में बुलाकर, हेलो हाँ गौरव कहाँ पर है, हेलो
यार बस तू कुछ मत पूछ, मैं जो भी होगा तुझे मिलके बताऊंगा, तू जल्दी से किले में आ जा बस, मैं बहुत परेशान हूँ यार। हाँ अभी आ जा यार प्लीज़ यार, तेरी बहुत ज़रूरत है यार, प्लीज़ आ जा यार। रात को अच्छा हुआ भाई तू आ गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, तान्या मेरी वजह से अपना सब कुछ छोड़कर आ गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मतलब इतनी रात को? हाँ यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, वो पीछे बैठ के फुट फुट के रो रही है। कहाँ है वो? पीछे बैठी है। चले गया। भैया ये क्या कह रहे हो आप, गौरव मेरे भाई जैसा था। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो भैया? जो कुछ भी आपने देखा वो मैं इशिका और गौरव भैया को मिलाने के लिए कर रही थी। अजय ने गौरव को सिर्फ एक शक की बुनियाद पर मार दिया। अगर अजय इस बात को गौरव के साथ बैठकर हल करता तो गौरव आज जिंदा होता और अजय जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। हम आपको केवल ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो तो उसे आपस में बैठकर हल करें, ना कि जल्दबाजी में ऐसा कुछ करें कि पछताने के लिए समय ही ना बचे।